हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफर विद सुधीर एंड माय टुडेज न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं और प्रसाद आए हैं एक ऐसी जगह पे जो ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है गोवा में, और वो मतलब साउथ गोवा में पड़ती है एक्चुअली, और वो टॉप पे है माउंटेन पे। तो लगभग मुझे बिचोलिम से लगभग 60 के आसपास किलोमीटर पड़ चुका है, और पेंजिम से अगर आओगे तो आपको ऐसे ही 40-50 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा। तो रोड तो क्लियर है, रोड तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखो, अभी हम लोग माउंटेन क्रॉस करके अब ऊपर पहुंच चुके। ऊपर जाने के लिए आपको दो रास्ते हैं, एक तो आप स्टेप्स लेके जा सकते हैं, लगभग 200 स्टेप्स है वो आपको चढ़ के, नहीं तो आप साइड में मेरे पीछे देख सकते हैं एक रोड है, वहाँ से आप ऊपर जाके सीधा वो पहुँचे, उसके बाद आपको सिर्फ 50 स्टेप्स ही चढ़ने पड़ेंगे। तो अभी डायरेक्ट हम लोग ऊपर मिलेंगे, तो देखते रहिए हमारी वीडियो। आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे है वो चंद्रेश्वर टेम्पल है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी बताई और आपने रूट भी देख लिया है टाइम लैप्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो है ऑलमोस्ट 1921 से यहाँ पे टेम्पल है, जो भोज करके जो ये था मतलब समाज था, उन्होंने उसको बनाया था इधर और भगवान का स्थापित किया था इधर, मतलब ऑलमोस्ट 1921 में उसको स्थापित किया था। ठीक है, तो एक बेस्ट प्लेस है, इधर आ जाए, विजिट करिए। सिर्फ हमें थोड़ा वो अंदर जाने के लिए नहीं मिला, एक्चुअली क्या होता है अभी कितना टाइम बच गया, लगभग 1 बजे तक वो क्लोज़ हो जाता है, मतलब 1:30 बजे तक वो क्लोज़ हो जाता है, और उसके बाद 3-3:30 बजे तक वो खुलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1:30 बजे से पहले आना है, नहीं तो आपको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। हमें तो मिल गया क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया थोड़ा स्टॉप करो, तो आपको यही ध्यान रखना है कि 3-3:30 के बाद में आना है, नहीं तो 1:30 बजे से पहले आना। ठीक है, तो हमारी अभी वीडियो देखिए सिनेमेटिक वे में। तो आपने देख ही लिया है सब कुछ, चंद्रेश्वर टेम्पल ये मतलब पूरा माउंटेन पे है, और यहाँ पे एक होटल भी है नीचे ही, जहाँ पे हमने बाइक पार्किंग किया था उधर ही एक होटल है। वो एक्चुअली कोविड की वजह से शायद बंद है, लेकिन वो चालू रहता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप खाना नहीं ला सकते, इधर खाना भी ला के आप उधर बैठ के बिंदास खा सकते हैं। सो आपको टाइमिंग का सिर्फ एक याद रखना है कि 1:30 बजे से क्लोज़ होता है और बाद में 3:30 बजे खुलता है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग घूमते हैं। दो हमारी पेजेस है, जैसे कि एक हेवन एक्सप्लोरर है, उसको भी फॉलो करिए, उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि मतलब हम लोग जो गोवा में पूरा एक्सप्लोर करेंगे अभी तो हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। तो आप हमारे फोटोज़ भी वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल प्लेसेस रहते हैं गोवा में, जिसके हम लोग व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन उनका जो फोटोज़ रहते हैं वो हम लोग ज़रूर डालते हैं, और उसका लोकेशन भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।